अबे छोटे तू स्कूल से आ गया? अरे बड़े तू जेल से आ गया? तुम दोनों फिर शुरू हो गए? बड़ों से ऐसी बात करते हैं क्या? अरे बड़े पहले बड़ा तो हो जा। इसको बोल ज्यादा जबान ना लड़ाए। बस कर तू। और डंडे कितने बड़े जेल में आ? अभी तो अपन थक गए, पहले आराम कर लेता फिर तेरे को फटका दूं। इसे जेल से किसने छुड़ाया? और कौन? माताश्री। तुम इसे वापस लेकर आई हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम इसे वापस लाई हो? तो और क्या करती मैं, बेटा है ये हमारा। नाक कटवा दी इसने परिवार की, जानती हो कितने शर्म की बात है ये? आवारा गर्दी करता था, बार में बैठता था और अब हवाला की हवा भी खा ली। इसी वास्ते अपन यहाँ आना नहीं चाहता था, कहीं को छुड़ाया तूने? अच्छा होता अगर तू वहीं सड़ता। मां समझा इनको ढंग से बात करने का, अपन से अपन की भी कोई इज्जत है। कौन सी इज्जत की बात कर रहा है तू? एक नौकरी तक तो ढूंढ नहीं पाया, जुबान लड़ाता है। अपन ये नौकरी वोकरी नहीं, बिजनेस करने के लिए पैदा हो गया है। क्यों बहस कर रहा है? धीरू नाम होने से अंबानी नहीं बन जाएगा। बिजनेस करने का है, उसके लिए मैं आपसे कितने दिनों से एक पेटी मांग रहे लाऊं। मैं पूछ जरा दिया क्या इन्होंने? बिजनेस का बी भी मालूम है तुझे? उसके लिए एबीसीडी की जरूरत नहीं है। चुप कर, बोलने दे माँ। अपन भी रह जाके माफिक रियल एस्टेट बिजनेस करेगा। मैं सपने देखना बंद कर, मजाक नहीं है। एक आदमी पर भरोसा करके मैंने 25 लाख रुपए एक जमीन में इन्वेस्ट किए थे। 6 महीने से उस जमीन को बेचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आज तक बेच नहीं पाया मैं उसे। बिजनेस करना कोई मजाक की बात नहीं है। अपन आपके माफिक धोखा नहीं खाने वाला है। ए माँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि कर्जा लेके मुझे पैसे दो। बैंक में जो सेविंग रखी है उसमें से थोड़े से पैसे निकाल के दे दो। मेहनत की कमाई है तो उससे तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। वो पैसा भी अगर मैं तुझे दे दूंगा तो तेरी माँ के साथ बुढ़ापे में क्या भीख मांगूंगा? देखिए आपने बाहर वाले पे भरोसा करके इतना पैसा खर्च कर दिया, ये तो अपना बेटा है, थोड़ा पैसा तो दे ही सकते हैं। पाल पोस कर हमने घोड़े जैसा बना दिया है, अब मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इसे। अगर आप नहीं दोगे तो अपन घर छोड़ के चला जाएगा, फिर बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगा। तू अगर नहीं गया तो मैं तुझे धक्के देकर निकाल दूंगा। चला जाऊंगा। जा, और एक बात सुन ले, बाहर जाकर किसी को बताना मत कि तू मेरा बेटा है। वो तो अभी भी किसी को नहीं बताता। वो सच में जा रहा है, उसने खाना भी नहीं खाया। अरे अंधी हो गई है क्या? वो भूखा दिख रहा है, पेट ठसाठस भरा है उसका, थोबड़ा ही भुक्कड़ जैसा है उसका। हां पापा, साथ साथ डोसा चूसा है। अबे मोटे, मैथ्स में फेल होता है और मेरा डोसा गिनता है क्या? जाना भुक्कड़। क्या हुआ धीरू, इतने मस्त मौसम में अपना मुंह क्यों लटका रखा है? ये देख अपना तुषार भी इंग्लिश मांग रहा है। अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बापू ने बिजनेस के लिए पैसा देने को मना कर दिया। अरे मेरा बाप तो मुझे बस के किराए के लिए भी पैसा नहीं देता, तेरा बाप तो फिर भी अच्छा है। ये बापू लोग अपने बच्चों पर भरोसा क्यों नहीं करते यार? यार ये जो बाप लोग होते हैं ना, अपने आप को गॉड फादर समझते हैं पर ये होते हैं बैड फादर। एकदम करेक्ट। हाय 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 हाय, आई एम वेणुगोपाल। हाय फ्रॉम टाइटन पार्क। ओह आई सी, नाइस टू मीट यू। सेल्समैन हो क्या? अरे नहीं नहीं, बस तुम सबको देख के मुझे मेरे दोस्तों की याद आ गई। इफ यू डोंट माइंड मुझे एक सिगरेट मिल सकती है? हां बिल्कुल। अबे एक ही बॉक्स है, कहीं को दे रहे ले? नहीं है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कोई सेठ आदमी है, लीजिए सर। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ओके सर, प्लीज कैरी ऑन। ओके सॉरी। माँ ने बापू को बहुत समझाया लेकिन बापू मानने को ही तैयार नहीं है। ये बाप लोग ना हमारी माँ को अपने पैर की जूती समझते हैं। करेक्ट बोला। हाय फ्रेंड्स, आई एम वेणुगोपाल फ्रॉम टाइटन पार्क। आपने अभी बताया था ना सर। इफ यू डोंट माइंड थोड़ी कोल्ड ड्रिंक मिलेगी क्या? चल दे दे। ओ बस बस बस, थैंक यू, कैरी ऑन। क्या हुआ धीरू? लाइफ में कुछ थ्रिल नहीं है, बोर हो रहा हूँ। लाइफ को हमसे बोर होना चाहिए भाई, हमें लाइफ से नहीं। करेक्ट बोला। आई एम वेणुगोपाल फ्रॉम टाइटन पार्क। अबे 3 बार बता चुका है, अब क्या लिख के रखूं? इफ यू डोंट माइंड एक पैग मिलेगा क्या? थैंक यू थैंक यू, प्लीज कैरी ऑन। कोई साला अपुन की परवाह ही नहीं करता है। बापू पैसा नहीं देता है, बैंक एप्लीकेशन फाड़ के फेंक देती है। सबर कर, ये बैंक वाले तेरा लोन कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? देखना हम बैंक को लोन देंगे एक दिन। क्या कहता है भाई, हम एक दिन टॉप पे होंगे। जरूर होंगे टॉप पे, मैं भी तो अभी टॉप गियर पे ही हूँ। आई एम वेणुगोपाल टाइट पार्क। मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो हो गया है। देखो मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, आई डोंट लाइक वॉकिंग। तो बोलो तुम्हारे लिए ऑटो बुला देते हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप बस थोड़े पैसे दे दो, ऑटो तो मैं खुद ही पकड़ के चला जाऊंगा। क्या बोला?
मैं तुम लोग को भी लिफ्ट दे सकता हूँ। क्या चाहिए तेरे को? पैसा। हमको क्या उल्लू समझा तू? उसमें समझने वाली क्या बात है? यहाँ पे कब से कह रहा है आई एम वेणुगोपाल फ्रॉम टाइटन पार्क, टाइटन पार्क। जरा हमको इसका मतलब तो बता। टाइटन पार्क में मैं टनोकर सोता हूँ। मतलब ये कोई कंपनी का नाम नहीं है? कौन सी कंपनी? साला हमारी फुकट की दारू पी गया, मार साले को। भूख लगी है, खाना देना माँ। लग गई बेटा, ये पापा को मम्मा बोल रहा है। जानता है टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या, तेल लेने, खाना देना माँ। आज ही पूरी रात जगाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि टाइम क्या हो रहा है? टाइम खराब चल रहा है, खाना देना माँ। क्या बोला? अरे मेरे भोले पापा, ये टल्ली टाइम है। मतलब क्या हो गया? माँ आज बड़ा गले तक फूल होके आया है। मम्मी इसे क्यों मार रहा है? ये तुझसे छोटा है पर ज्यादा समझदार है। ये जब मेरी उम्र का हो जाएगा ना, लोफर ही बनेगा। तू इसकी फिक्र मत कर, तेरी उम्र में तो ये कलेक्टर बन जाएगा। चपरासी बोलो। क्यों इस तरह से अपने पापा के साथ जबान लड़ा के बहस करता है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। पहले ढंग से खड़ा होना तो सीख जा। तेरा कुछ नहीं हो सकता धीरू, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तुमने ही बिगाड़ के रखा है इसे, सारी जिंदगी आवारागर्दी करेगा। लेक्चर मत झाड़ो बापू, कभी मेरे बारे में कुछ सोचा है क्या? तूने सोचने के लिए कुछ छोड़ा है? क्यों क्यों इतनी दारू पीता है? बापू ने पैसा नहीं दिया इसलिए टल्ली हुआ, जब टल्ली हुआ तो बाइक चोरी हो गया। क्या कहा? बाइक चोरी हो गई? बाइक चोरी हो गई? शाबाश मेरे ला, बहुत बढ़िया काम किया इसने। अरे बेशरम, पाई पाई जमा करके तेरे लिए बाइक खरीद के दी थी और तूने वो बाइक घुमा दी, इतना लापरवाह कैसे हो गया? बाइक चोरी नहीं हुई होगी, उसी को बेचकर दारू पी है इसने। अपन झूठ नहीं बोलता, बाइक चोरी हो गई है। झूठ पे झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कसम से कह रहा हूँ, जरूर इसने बाइक गिरवी रखी। कभी बोलते हो चोरी हो गई, कभी बोलते हो गिरवी रखी, मेरे को गाय को कंफ्यूज कर रहे हो। अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करता है? पूरी जिंदगी किसी ने मुझसे बदतमीजी नहीं की और तुम उससे ऊंची आवाज में बात करता है? निकल, चुप रहो, निकल यहाँ से। क्योंकि ये मेरा घर है, निकल। वापस लौटा तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखना। पर क्यों नहीं जाता ये? नहीं माँ, मैं घर नहीं आऊंगा। पापा को बोल दो मैं घर नहीं आऊंगा। क्या भाई, तेरे को भी बाप ने घर से निकाल दिया क्या? नहीं, मुझे घर से बाहर नहीं निकाला, मैंने खुद छोड़ दिया। काई को? मेरे पापा चाहते हैं कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जो पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। क्या ये सही बात है? मेरी जिंदगी में एक लड़की है जिसे देखते ही मुझे प्यार हो गया था। सच में होता है? बिल्कुल होता है बच्चा, मैं समझाता हूं। बताओ। जब दिल में मोहब्बत जागे तो आग लगनी चाहिए। आग? हाँ। आग लग गई बाबा जी। मुझे भी लग गई। अपुन की बाइक। आई एम वेणुगोपाल फ्रॉम टाइटन पार्क। अपुन धीरू भाई, कर लू दुनिया मुट्ठी में। नाइस, अच्छा नाम और अच्छे विचार है। एक ही दिन में बाइक ढूंढ ली, आई एम इम्प्रेस्ड। पंडित जी बाइक की पूजा करा दीजिए। वही तो कर रहा था। पंडित जी वो कल वाली हीरो होंडा कहाँ खड़ी है? खड़ी है। ओम बाइक का नाम। अच्छे से पूछा करो पंडित जी, खोई हुई बाइक मिल गई है। लगता है जल्द ही तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है।
पहले कभी नहीं देखा। दो दिन पहले ही आए हैं। हम पार्क में घूमने जाएंगे। What's your name? उर्मिला। Nice name. Thank you. I am शिव कुमार। What? शिव। शिव बोले। Oh, शिव। उर्मी, तुम्हारे घर में और कौन-कौन है? Listen, somebody is watching. Where? There. यहाँ पे तो कोई नहीं है। ओ तेरी, कितनी सर्दी हो गई, मुझे भाप लेना पड़ रहा है। भैया। भैया? क्या नाम है उसका? उर्मिला। 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 अबे मेरे शिव भोले, तेरे को तो पढ़ाई करके कलेक्टर बनने का है, बाप का नाम रोशन करने का है, काई को ये उर्मिला के चक्कर में पड़ के बाप का नाम खराब कर रहा है तू? और हट, क्या है इसमें? अरे बाप रे, आइटम को पढ़ाने के लिए तो अगरबत्ती का भाप लेने का दिखावा कर रहा है। रुक, माँ को बताता हूँ। माँ, माँ, चलक, चलक, अरे रुक, तेरा भांडा फूटो, सबको बताता हूँ। रुक माँ, अपन हैंडसम दिखता है कि नहीं छोटू? बोल। अरे बोलना भाई, मुझे अपने स्कूल छोड़ो। ठीक है, वैसे आप मुझे ले कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है ना छोटू, कल अपन को मंदिर में ना एक देवी मिल गई, तो उसके साथ अपन जचेगा कि नहीं ये जानने का था। दिखती कैसे है वो? अरे छोटे क्या बताओ, एकदम मिस वर्ल्ड के माफिक दिखती है। अच्छा, वो आइटम शॉप वाली राखी सावंत जैसे दिखती है क्या? क्या छोटे, तू भी किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है? वो व्हाइट साड़ी वाली जैसे दिखती है क्या? अबे वो तो आंटी है यार। तो कैसे दिखती है वो? उसके माफिक तो कोई नहीं हो सकती। वो कूल वाली जैसे दिखती है क्या? अरे बोलना, कहाँ खो गया? अबे छोटे वही तो है तेरी भाभी। अबे बड़े, मेरे को किधर लेके जा रहे हैं? आज स्कूल तो उधर है। अबे अपन अखा लाइफ स्कूल नहीं गया, तू एक दिन नहीं जाएगा तो क्या होगा? अरे मुझे स्कूल जाना है। अबे चुप बैठना, मेरा एग्जाम आने वाला है। मारूंगा। क्या कर रहा है यार तू? कितना पकाता है तू? पहले मुझे स्कूल छोड़, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। एक बाइक वाला बच्चे को किडनैप करके सिग्नल तोड़ के भागा है। उसकी गाड़ी का नंबर है TSB 5969। ए रुक, अपने पीछे पुलिस पड़ी है। अरे मुझे स्कूल जाने दे बाबू, मुझे कलेक्टर बनना था। तू चपरासी के भी लायक नहीं है।